सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको हैंडलूम शॉप के बारे में बताने वाले हैं। आप कैसे एक हैंडलूम शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी रेंज होनी चाहिए व कितने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होगी, जिसके लिए हम आए सत्यकृति हैंडलूम। हेलो क्षितिज जी। हेलो क्षितिज जी, कितने समय से आप ये हैंडलूम का काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया अभी 3 इयर्स कम्प्लीट हुए, अभी न्यू स्टार्ट है अभी। सर, आपने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है इन 3 साल में भी। पहले मुझे पता है कि आपने डेयरी का काम है, आपका बहुत बड़ा बिजनौर के अंदर। तो सर, जैसे 3 साल हो गए, सर जैसे किसी व्यक्ति को हैंडलूम का काम स्टार्ट करना हो तो कितने एरिया से वो काम कर सकता है स्टार्ट? एरिया डिपेंड नहीं करता, क्योंकि एरिया तो जितना काम कम हो उतना, जितना कम होता है उतना ज़्यादा ही चाहिए होता है। और वैसे तो ज़्यादा मिनिमम ये है कि एक शॉप लगभग 10x10 की तो होनी चाहिए कम से कम किसी भी चीज़ को, कि इसमें रेंज ऐसी है, इतनी वाइड रेंज है कि कितना ही एरिया पड़ जाए वो कम ही लगता है। एरिया तो बहुत होना चाहिए इसमें, मतलब कम से कम 10x10 से स्टार्ट कर सकता है और बाकी कितना भी बड़ा बढ़ा सकता है, जितना पैसा हो उतना बढ़ा ले, जितनी जगह हो जितना पैसा हो कितना ही कर लगा दो। रेंज बहुत है इसकी, वाइड रेंज है, ऐसा नहीं कि मैं अभी तक नहीं पूरी कर पाया। बिल्कुल सर, हैंडलूम में काफ़ी फ्रेंचाइजीज भी वर्क कर रही हैं, जैसे बॉम्बे डाइंग हुई, तो क्या फ्रेंचाइजी के साथ स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर अलग अलग प्रोडक्ट अलग वैरायटी के साथ स्टार्ट किया जाए? दोनों चीज़ें होनी चाहिए स्टार्टिंग। जैसे मेरा नया सेटअप है तो फिलहाल तो लोकल से स्टार्ट करा है, अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो ब्रांड में भी घुसना पड़ेगा, और होना चाहिए, बिना ब्रांड का तो काम नहीं होता, लोकल के साथ ब्रांड ज़रूरी होता है, लेकिन स्टार्ट पहले जो है लोकल से ही किया है। सर, जैसे आपने बात किया स्टार्ट लोकल से किया है, तो ये माल कहाँ से आता है सर? तो वैसे तो काफ़ी बहुत सी जगह होती है, लेकिन दिल्ली सबसे बेस्ट प्लेस है इसके लिए। हाँ, क्योंकि पश्चिम उसकी पूरी सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, तो दिल्ली हमारे लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी जल्दी है, आज आपने ऑर्डर दिया कल आपके पास डिस्पैच हो गया, तो दिल्ली हमारे लिए बहुत ईजी चीज़ है। सिद्ध गुप्ता जी, जैसे आपने बताया कि दिल्ली से आता है, दिल्ली में कहाँ से आता है सर माल? दिल्ली में जगह तो बहुत सारी होती है, लेकिन वैसे बेस्ट इसकी चांदनी चौक में आपको अच्छा और सस्ता मिल जाएगा। जो वर्क है, जैसे हैंडलूम जो वर्क है वो चांदनी चौक ही है इसका जी। बाकी डिपेंड तो करता है, काफ़ी सारी एरियाज हैं जिसका जहाँ माल पड़ जाए, जिसको जहाँ पसंद आए। सर, जैसे कर्टन्स हो गए, पिलो कवर हो गए, ये बेड शीट्स हो गई, तो क्या सारा माल चांदनी चौक से ही मिल जाएगा? हाँ, ऐसा होता है, जैसे चांदनी चौक में कपड़े का हफ्ता ही पूरा। अब जैसे हमारी PVC मैट्स हैं जी, उसका मार्केट दिल्ली में ही है, लेकिन वो चांदनी चौक से अलग है, वो सदर में मिलता है, तो काफ़ी सब चीज़ें हैं ऐसी जो चांदनी चौक में ज़्यादा मिलती है, फिर सदर मिलती है, आप एरिया वाइज डिपेंड है इनका किस तरह की है, क्या काम है। सर, जैसे दिल्ली से आता है तो क्या इस पर टैक्स वगैरह भी देना होता है ट्रांसपोर्ट से आएगा तो? नहीं, टैक्स वगैरह तो सब जिससे हम लेते हैं वो सब इंक्लूड करके उसका बिल बनता है, ट्रांसपोर्ट का कोई टैक्स नहीं होता। बिल्कुल, बाकी हमें ट्रांसपोर्ट का जो रेंट होता है वो देना पड़ता है। बिल्कुल सर, जैसे कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करे तो उसे रेंज कैसे बनाएगा, वो कितनी वैरायटी होनी चाहिए? आपने स्टार्टिंग में कितनी वैरायटी के साथ स्टार्ट किया? वैरायटी में तो लगभग सबसे सारी ही चीज़ों से स्टार्ट करा, लेकिन वैरायटी का पता तो तभी चलेगा जब इसमें काम करना स्टार्ट होगा जी। इसलिए इसका कोई वो नहीं है कि कितने, ये मैं नहीं बता सकता कि कितनी वैरायटी से स्टार्ट करना चाहिए, ये तो जब करोगे तभी पता चलता है इस चीज़ का। क्षितिज जी, आप मार्केट में कितनी चीज़ें बेच रहे हैं अभी? मेरा इस टाइम कर्टन्स है, ब्लैंकेट्स है, बेडशीट्स है, PVC मैट्स है, फुट मैट्स है, और मैट्रेसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टॉवल्स है, बहुत है चीज़ें ऐसी, तो हैंडलूम से रिलेटेड ही। सर, ये सारी नॉर्मली घर में यूज होती हैं, तो क्या मार्केट पर सर कोई मौसम का भी पड़ता है, क्या जाड़ों में ज़्यादा हो जाए सेल या गर्मी में कम हो जाए, कुछ ऐसा होता है? नहीं, जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह है वो तो सर्दी में ज़्यादा बिकते हैं जी, कॉटन गर्मी में ज़्यादा बिकता है, इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। बाकी तो फिर जैसे शादियाँ वगैरह चलती हैं तो उस चीज़ के लिए अगर जैसे गर्मी है तो उसमें ब्लैंकेट्स भी बिकते हैं शादी वगैरह में देने के हिसाब से, ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, 12 महीने सीज़न है इसका, 12 महीने सीज़न चलता रहता है, शादी वगैरह में भी काम बढ़ता होगा? बिल्कुल, शादी वगैरह में काम पड़ता है, जैसे शादी नहीं होती है तो थोड़ा एक बार हल्का हो जाता है, बाकी नहीं तो काम ओवरऑल 12 महीने एक सही है। सर, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है कस्टमाइजेशन का, लोगों को कस्टमाइजेशन कर्टन चाहिए, बेडशीट चाहिए, पिलो कवर चाहिए, तो क्या कस्टमाइजेशन वाली रेंज भी आप अवेलेबल करा सकते हैं?
हाँ, जैसे कस्टमर हमें बता देता है, जैसे कुछ फ़ोटोज़ नेट से ला के देता है कि हमें इस तरह का चाहिए, इस तरह की चीज़ों, तो हम बनवा देते हैं ऑर्डर पे। ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना कर लेते हैं, बाकी जो अपने रेंज से बाहर है या जिसको हम नहीं देख पाते वो मना करना पड़ता है। बाकी देखिए ये है कि लगभग लगभग रेंज हो ही जाती है पूरी। बिल्कुल सर, अगर सर कोई हैंडलूम का काम स्टार्ट करना चाहे तो कितनी रेंज के साथ, वो कितने इन्वेस्टमेंट के साथ वो स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? इन्वेस्टमेंट की इसकी कोई रेंज नहीं है वैसे तो, कोई भी काम करो उसमें इन्वेस्टमेंट का तो कोई हिसाब नहीं लगा सकता जी। लेकिन फिर भी कम से कम कितने रुपए से स्टार्ट, कम से कम कितने से करेगा? जितना उसके पास अलाउ होगा, ऐसा मैं क्या बता दूँ इसमें कितने रेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसका रेंज का भाई, वो तो अपनी जेब के अकॉर्डिंग है ना जी, कितने रुपए लगा सकता है, जितने रुपए लगाएगा उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। और सर के अगर मार्जिन की बात करें तो क्या सारे प्रोडक्ट्स पर सेम मार्जिन होता है या मार्जिन भी ऊपर नीचे होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मार्जिन अपने हाथ में होता है, मार्जिन हम किस हिसाब से लेना है ये तो हमें पता होता है, सारे टैक्स वगैरह इंक्लूड करके या जितने भी हमारे एक्सपेंसिव आए हैं वो सब करके अपना जो हमें मार्जिन लेना होता है 10% 15% वो लेते हैं। ऐसा कुछ इसका रेशो नहीं है कि हाँ इस पर इतना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बस, ये पहली चीज़ है। सर आपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की तो क्या उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है सर अच्छी क्वालिटी से? आप क्वालिटी का कैसे डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ अच्छी क्वालिटी का है? क्वालिटी का डिसाइड क्या करना है, मतलब जैसे क्वालिटी तो अब जैसे ये ब्लैंकेट है, ये चीज़ है, अब ये इस ब्लैंकेट में देख लो या फिर इस तरह के ब्लैंकेट में देख लो तो ये चीज़ छूने से या देखने से वैसे ही पता चल जाता है क्वालिटी का, मतलब फैब्रिक से पता चल जाता है, पता चलता है इस चीज़ का फैब्रिक है, कर्टेंस है, कर्टेंस का भी फैब्रिक हुआ, डिज़ाइन हुआ, उसकी किस तरीके से उसका या क्या मटेरियल है, उसमें क्या कपड़ा लगा हुआ है, ये सब डिपेंड होता है क्वालिटी से, वो कस्टमर्स को दिखाते हैं तो समझ जाता है कस्टमर। गुप्ता जी, जैसे सब बिजनेस में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि इसमें ये नुकसान हो सकता है, इसमें ये नुकसान हो सकता है, तो अगर कोई नया व्यक्ति करना चाहे तो उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्टिंग में? देखो, नुकसान और प्रॉफिट तो हर बिज़नेस में होता है, ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे नहीं पता इसमें क्या लॉस होगा पहले या क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन ये है कि ड्रॉबैक पे अगर जाओगे तो फिर नहीं कर पाएंगे कोई भी काम है कुछ भी हो, तो मैं समझता हूँ ड्रॉबैक को नहीं देखना चाहिए पहले, अपने काम करो, ड्रॉबैक की जो एक्सपीरियंस है वो काम करते ही पता चलेगा, बस सीधी सी चीज़ तो यही है हमारे लिए। तो सिद्ध जी, आपसे कोई माल खरीदना चाहे तो आप अपनी एक बार रेंज बता दीजिए और क्या क्या आपके पास अवेलेबल है और आपसे कैसे संपर्क करें, कहाँ आए वो? हमारी शॉप का एड्रेस है सिविल लाइन बिजनौर, नियर पोस्ट ऑफिस, आर्य समाज स्कूल है उसके ठीक सामने मेरी शॉप है, और मैं डील्स करता हूँ कर्टन्स में, ब्लैंकेट्स में, पीवीसी में, फ्लोरिंग में, और कितनी भी मतलब ऑल प्रोडक्ट्स हैं हैंडलूम के सब में डील है मेरी उससे, मेरे से कोई जैसे होलसेल चाहता है तो होलसेल भी है, रिटेल है, रिटेल वैसे रिटेल ही शॉप परमानेंट है। ये थे हमारे साथ क्षितिज गुप्ता जी, जिन्होंने हैंडलूम के ऊपर हमें जानकारी दी। नमस्कार क्षितिज जी। नमस्कार सर, नमस्कार।